ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ? ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲੇ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੰਮੀ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਧਨ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ। बिहार बंद है, इसीलिए मैं क्या कर सकेंगे सर? हम लोग को हमको मदद चाहिए, कुछ पैसा का मदद किया जाए सर। हम लोग भर्ती कर लो सर, ये बुढ़ी का ये हाल है, हमारा भी ये हाल है, कमाने वाले है नहीं सर। मेरे डैडी भी की यही बीमारी होने वाला है, मेरे डैडी भी को माँ भी को बचा लो सर। मैं तो मेहनत कर रही है, मदद करो सर। गरीब बंदा मैं झाड़ू पोछा करके बच्चे को पाल रही है। ये लॉकडाउन में झाड़ू पोछा वाले भी वो हटा दी, मैं क्या खाऊंगी, कैसे इलाज करूंगी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माता अमेरिका देवी का चेहरा तुम देखा स्क्रीन पर अपने, तो कैंसर हो गया माता नूं, मूँह का कैंसर आ, तो कैंसर के नाल हालात तुम देख सकते हो कि वड्डा सुराख हो गया। तो वो जो दुध चाह पानी कुछ पीती है तो वह भी बाहर आ जाता सारा, रोटी खानी होंगी कई दिन तो रोटी तो भी भुखी आ। बिहार तो आ माता, माता जी का एक बेटा तो एक बेटी आ, ये बेटी है माता जी की, झाड़ू पोचे लाइद लोगों के घर के माता जी का घर वाला बजुर्ग वह भी बीमार आदा भी मूँह के उपर आखो की होया पाया। तो क्योंकि तंबाकू के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, गुटका तंबाकू का सेवन करते हैं ज़्यादातर लोग यूपी बिहार वाले पास, साढ़े इतने पंजाब भी बहुत करते हैं, ये असर हों। माता देखो गुटका तंबाकू के करके अज एड्डी वड्डी बीमारी का सामना करना पै रहा, साडी हाथ बन के बेनती है भी इदा दी चीज़ों तो बचो। तो पर इस माँ की तकलीफ न भी समझो, हूँ इस टाइम तड़फ रही है बेचारी, इलाज तो बिना मर रही है, झुग्गियां दे रेंदे ने सिधार पिंड, पर हालात है कि जेडे जानवर तो भी बदतर आ। साडा अपना इंसानियत का फर्ज निभाइए, असी सारे इंसान होने का असी अपना फर्ज निभाइए, इस माँ की मदद करिए। असी इन माता जी हूँ मेडीवे हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश जैन ने स्पैशलिस्ट ने कैंसर के उन्होंने अंडर दाखिल करवाने लगे हैं, उत्थे उन्हों का ऑपरेट होगा। उन्होंने भी साड़ी गल हुई, दसदे भी मूँह का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, पूरी धौन का एरिया बैक साइड से सारा थले फेस पत्थर बन गया, जिहड़ा कैंसर का वो फैलाव बढ़ता जा रहा। ये गरीब परिवार आ, इन्हां कोले तां जाने कि कह दिए हस्पतालां च लैके जाने लई किराए लई भी पैसे है नहीं सीगे, तो यकीन मन्नो सरकारी हस्पतालां च बेचारी लैके फिरदी रही। ये भैन अपनी माँ नूं सिविल च लैके गई, सिविल वाले ने कहा संगरूर रैफर करती, संगरूर वाले कहिंदे होर अगे जाणा पऊ, पैसों की लोड़ है, पैसे इकट्ठे करो, जे पैसे होण फिर सरकारी हस्पतालां च क्यों जाण लोक? ते सरकारी तंत्र साडा फेल आ, सरकारी हॉस्पिटलां दे हालात तुहानूं सारयां नूं पता ही इस टाइम की आ। तो प्राइवेटां दे विच इदां दे गरीब बंदे जा नहीं सकते, इलाज करा नहीं सकते, तो फिर घर दे विच पए तड़फ तड़फ के मरन लई मजबूर हो जांदे। डैडी तो मगरों लेगा, ये 2 साल मगरों, इहनू हो गई 4 साल, 4 साल में तीसरा साल में इहनू रोटी खाने के बाद गल कुट आ गई। पहले शरीर वधिया सी, फिर जब गल कुटाने के बाद इहनू मैनू पता नहीं लगिया, फिर मेरे कोल पैसे नहीं सीगा, इहनू इलाज करूंगी, अंदर 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 मुँह फैली गया। मैं दवाई नहीं दिया सी सर, मेरे को उतना साधन था नहीं, मैं दवाई नहीं दिया सी। मैं जितने कमाता उतना बच्चे को रोटी देता सी। फिर कैसे बढ़ता गया, ऐसे हो गया? हाँ, ये कहीं दाखिल नहीं कराया हॉस्पिटल में, कहीं भी नहीं लेके गया अभी तक। एक बार लेके गया, मेरे को पैसा नहीं था, मैं मुड़ के आ गई, फिर जाके 2 महीने की दवाई लिया, पिछले महीने की दवाई खा चुके हैं, ये भी महीने की दवाई खा चुके, वो भी पैसा मैं दे नहीं चुकी, दवाई वाले को पैसा दिया नहीं। तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए? सरकारी में गया, वो बोला कि इसे संगरूल भेजो,
समरूल गया वो केंदे आसे तो तेरे लोग के पैसे लग गए। मेरे को पैसा नहीं था, मैं मोड़ के आ गई वहाँ से। पहले उन्होंने सरकारी में संगरूर भेज दिया। हाँ जी, तो संगरूर वाले बोलते हैं पैसा लगेगा। हाँ जी, तो फिर जाके हम लोग पैसा नहीं हुआ उतना तो मैं मोड़ के आ गई। फिर गड्डी बंद हो गया ना, फिर नहीं जा पाया। जब मोड़ के आई उतना में गड्डी बंद हो, लॉकडाउन के हल्ला होगी, फिर जाके जा नहीं सकिया। साडा भारत खुशहाल नहीं है। साडे भारत के बच्चे जे किसी के नाल इदां दी हालत हो जाती है ना, अमखी लाई चलो बापू, तो वह इस तरीके तड़फ तड़फ के मरदा, कीड़े पै पै के मरदा। ठीक है, इन्हों गलतियां तंबाकू असी सरकार ही साड़ियां बकावा आंदियां, थां थां ते दुकाना खोलियां, एडिया एडिया कंपनियां खोलियां। सब तो पहला गुटका तंबाकू तो शराब के ठेकियां की फिक्र पैंदी है सरकार नूं जद भी कोई इदां दी गल हुंदी है। तो फिर जिहड़े साइड इफेक्ट ने, जिहड़े उहदे करके बंदे मर रहे ने, उहनां लई भी सरकार नूं कुछ करना चाहीदा। आ जिहड़ा थां थां ते गुटके तंबाकू दीआं दुकानां ने प्रचार कर करके मशहूरियां, साडे वड्डे वड्डे शहरां दे विच बोर्ड लगे हुंदे आ चैणी खैणी दे, साडे बच्चे साडे आउण वालीआं पीढ़ियां नूं असीं की दे रहे हां? ते जिहड़ीआं साडीआं पीढ़ियां पिछलीआं सीगीआं उहनां नूं असीं आह दित्ता। आ माता दी जिहड़ी बेटी बैठी है बेचारी, इहदे गांह बच्चे आ, गांह उहदे वी बच्चे आ, तिन्न पीढ़ियां खड़ियां इत्थे, की सिखणगीआं इह पीढ़ियां? इह बापू आ माता दे घरों, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੂਣਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੜਫਦੀ ਨੂੰ, ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਕਦੀ ਨੂੰ। ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ, ਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ, ਜਗਪਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸਕਾ? ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰ ਪਾਏਗੇ ਸਰ, ਹਮ ਲੋਕ ਕੋ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਥਾ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁੜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਰਹਤੀ ਕੁੜੀ ਬੁੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੁੜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੁਆ ਹੈ, तो आप आप लोग अभी आपके बच्चे भी आगे तंबाकू लगा रहे हैं, ये सब क्या चक्कर है? इसके साथ इतना बुरा होता है, आप तंबाकू को छोड़ो। बनून वाले का है, सरकार का कर्तव्य है। तो अब क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं सर, ये इनको बचा लीजिए। क्या काम करते हो बाबा? कोई काम नहीं करते हैं, कुड़ी करता है तो हम लोग रोटी खाते हैं, झाड़ू पोछा लाते हैं। उससे पहले क्या काम करते थे तुम? खेती गृहस्थी करते थे वहाँ बाहर, अपने बिहार में। बिहार में, ठीक है। दो बच्चे हैं? एक का, एक लड़का एक लड़की, है। एक दो बच्चे हैं बेटा, लॉकडाउन लेके आर नहीं रहा। एक बेनती है जी थानू सारू हथ बन के साथी भी इस बजुर्ग माँ की मदद करो। अमेरिका राणी ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਨਾਟ ਲੋਕ ਨੇ, NRI ਨੇ,
पता नहीं क्यों असी नज़र नहीं मारते आसे पासे अपने, पता नहीं क्यों असी उस अख ना देख ही नहीं पाते जिहड़ी अख भगत पूर्ण सिंह जी की सी, भाई कन्हैया जी की सी। असी उस अख ना पता नहीं क्यों नहीं अपना आसे पासा देखते। भगत पूर्ण सिंह जी दुश्मनों के भी मलम पट्टियां करते रहे, तो साढ़े अपने हैं, दुश्मन है साढ़े। तो भगत भाई जिहड़े साढ़े कन्हैया जी की गल करते हैं, भगत पूर्ण जी की गल करिए तो देखो सड़कों तो पिंगलियां चक चक कोहड़ियां चक के किड्डा वड्डा पिंगलवाड़ा साहब खड़ा किया। तो असं अपने नगर के एक तड़फ रही माँ उन्हें मदद लिए नहीं अगे आ सकते। ठीक है बिहार तो आए हुए पर है तो इंसान ही है जी, यही जे ये बिहारी है साढ़े भी बच्चे बाहर बैठे कनेडा अमरीका च, तो जे उत्थे वाले साढ़े नाल इदां करन फिर सानू किदां लगे, ये सोचण दी गल है जी। बस इन्नियां की साडियां बेनतियां इस बीमार इस तकलीफ दे माहौल दे विचों जिहड़े चों निकल रही आ अमेरिका राणी, इहनू कढ़िया जावे। बस अपने आस पास ख्याल रखो, अपना इंसान होण दा फर्ज अदा करो जिदा इन्हां वीरां ने कीता। घट्टो घट इंसानियत के नाते इस परिवार के नाल तो खड़े, इस परिवार की मदद की, कुछ तो किया ना, कुछ ना करना ना, कुछ करना चंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।